एक गांव में बहुत सुंदर भगवान का मंदिर था। मंदिर के पुजारी के पास अपना एक हाथी भी था। रोज सुबह पुजारी मंदिर आता और भगवान की पूरी सेवा करता। जो भी भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते वो हाथी के भी तिलक लगाते। हाथी झुककर सबको नमस्ते करता। सब गांव वालों को हाथी बहुत अच्छा लगता था। सुबह की पूजा के बाद पुजारी हाथी को नहलाने के लिए पास के तालाब में ले जाता। तालाब में हाथी बहुत मस्ती करता, खूब खेलता। उसके बाद घर जाते वक्त रास्ते में दर्जी की दुकान पड़ती थी। दर्जी रोज हाथी को खाने के लिए केला देता। बदले में हाथी उसे झुककर नमस्ते करता। धीरे धीरे हाथी और दर्जी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। रोज हाथी दर्जी की दुकान पर आता और दर्जी उसे खाने के लिए केला देता। एक दिन तालाब से नहाकर जब हाथी लौट रहा था तो दर्जी को एक शरारत सूझी। हाथी ने अपनी सूंड जैसे ही केले खाने के लिए आगे बढ़ाई, दर्जी ने केले की जगह उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिला उठा। पुजारी को कुछ समझ नहीं आया। उसने हाथी को लिया और वो घर आ गया। दर्जी शरारत से मुस्कुराने लगा। अगले दिन हाथी जब तालाब में नहा रहा था तो उसने अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर लिया और रास्ते में जब दर्जी की दुकान पड़ी, हाथी ने सूंड का सारा गंदा पानी दर्जी पर उसकी दुकान पर गिरा दिया। दर्जी की तरफ देखा भी नहीं। दर्जी हाथी को देख के मुस्कुराया भी, लेकिन हाथी बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। दर्जी को उसकी किए की सजा मिल चुकी थी। दर्जी को समझ आ गया था कि हाथी ने ऐसा क्यों किया। दर्जी हाथी से माफी मांगता है, उसे केला खिलाना चाहता है, लेकिन हाथी उसकी तरफ देखता भी नहीं और आगे चला जाता है। अब हाथी और दर्जी की दोस्ती खत्म हो गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी मजाक में भी किसी के साथ ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ हो।